अब होगी इंसाफ की बात, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश, जनता की समस्याओं पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए आप देखते रहिए इंसाफ की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात, मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। किताबें बच्चों का भविष्य बनाने में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए जो छात्र किताबें नहीं खरीद पाते उनके लिए हरियाणा नू के पिनगवां में लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त नू धीरेन्द्र खड़गटा ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों का जिला बाल कल्याण अधिकारी कमलेश शास्त्री ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। APJ अब्दुल कलाम माइनॉरिटी ट्रस्ट ने छठी लाइब्रेरी की स्थापना की है, सुनिए नू के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने लाइब्रेरी को लेकर क्या कुछ कहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा APJ अब्दुल कलाम ट्रस्ट का और मैम का जो कि उसकी चेयरमैन साहिबा है, साथ ही साथ हमारे जो IPS ऑफिसर हैं जो अभी डेप्टेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हनीफ कुरैशी सर का, सर और मैम की वजह से यहाँ पर जो एक उनकी ट्रस्ट है उसके द्वारा जो यहाँ पर चालू किया गया, इससे ना सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण होगा बल्कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको तालीम और एक जैसी जगह मिलेगी जहाँ पर वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी से न केवल पिनगवां कस्बे बल्कि आस पड़ोस के सैकड़ों गांवों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही APJ अब्दुल कलाम माइनॉरिटी ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर शमीम कुरैशी ने क्या कहा, सुनिए। अभी ये हमारी छठी लाइब्रेरी है, इससे पहले हमने फिरोजपुर नमक में, घासीड़ा में, नूह संस्कृति मॉडल स्कूल में, गुड़गांव में 54 सेक्टर के गवर्नमेंट स्कूल में और यहाँ पे, तो ये इतनी हम लाइब्रेरी अभी छः लाइब्रेरी हम लोग आज सहित ओपन कर चुके हैं। और यहाँ पे आज जो अभी आज लाइब्रेरी हमने ओपन करी है, इसमें हमारी 2500 के अराउंड किताबें हैं और इसमें नीट की, JEE की, बाकी अदर कॉम्पिटिशन बुक्स और साथ में साहित्य की किताबें, APJ अब्दुल कलाम की किताबें, गांधी जी की किताबें और ये अपना प्रेमचंद का जो साहित्य है सारा, वो सभी है इसमें। बता दें इस लाइब्रेरी में UPSC, NEET, IIT समेत कई प्रतियोगिताओं के लिए किताबें उपलब्ध हैं। खबरें तक 30 के साथ आप देखते रहिए इंसाफ की बात।